नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए थे मेरे पास। क्या कहने साहब, देखो दोस्तों, कल एक खबर आई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। उसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 600 के करीब ब्रांचेस को अपनी बंद करने जा रहा है। फिर क्या था साहब, फिर क्या था, इतने क्वेश्चंस, कमेंट्स, मैसेज मेरे पास इकट्ठा हो गए कि सर ये क्या हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा तो नहीं, और आप मर्जर की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं उन्हीं सब बातों पर आपके साथ करूंगा चर्चा। कुछ बातों को पॉइंट आउट करेंगे, समझेंगे आखिर क्यों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 600 से ज्यादा ब्रांचेस को करने जा रहा है बंद, और क्या ये मर्जर का हो सकता है प्लान। क्योंकि आपको पता ही है, हमेशा से शुरू से मैं आपसे यही कहता आ रहा हूं कि फाइनली बैंकों का मर्जर ही होगा, फाइनली बैंकों का मर्जर ही होगा, प्राइवेटाइजेशन मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज भी सुन लीजिए, दोबारा कह रहा हूं और मैंने कह दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक साथ 600 ब्रांचों को बंद करना पड़ रहा है। देखो दोस्तों, ये एक बैंक का हिस्सा होता है कि बैंक कहीं पर भी अपनी ब्रांच को खोल सकता है और उसको बंद कर सकता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बैंकों ने अपनी ब्रांचेस को बंद किया है और खोला भी है नई ब्रांचों को, लेकिन एक साथ 600 ब्रांचों को बंद करना ऐसे माहौल में जब प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हो, ये एक सवाल का मुद्दा है। तो इस जब पूरी खबर को मैंने विस्तार से पढ़ा तो बहुत सारी चीजें समझ में मेरे सामने आई दोस्तों, और आपको भी समझनी चाहिए। एक तो जिन ब्रांचों को बंद कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो साहब उनकी वित्तीय स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और सही भी है, जब वित्तीय स्थिति ठीक ना हो तो उन ब्रांचों को बंद करने में ही दोस्तों फायदा है, बंद करने में ही फायदा है। उसके अलावा कोर एसएसबी बेची जाएंगी उसके बाद, और 4600 के आसपास बैंकों की ब्रांचेज है मेरे ख्याल से, 4500 से ऊपर के बैंक की ब्रांचेज है, उसमें से 600 ब्रांच अगर बैंक बंद कर रहा है तो इसमें कोई चिंता या विचलित होने वाली बात नहीं है। इसका एक पॉजिटिव व्यू भी है, पॉजिटिव व्यू तो सुनिए, आप अपने निगेटिव व्यू से सोच रहे हो इसलिए आपको हर चीज निगेटिव दिखाई दे रही है कि अरे 600 बैंकों को बंद कर रहा है, ये हो जाएगा, अब बैंक की साहब जो खराब ब्रांचेस हैं वो बंद हो जाएंगी तो कोई भी इसको खरीद लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैंने आपको कह रखा है बैंकों का मर्ज होगा, फाइनली सरकार को बैंकों का मर्ज ही करना पड़ेगा। अब इसमें इस वाले मुद्दे में कि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांच को बंद कर रहा है, क्या पता वहां पर कोई और ब्रांच हो जिस बैंक में उसके साथ मर्ज हो रहा है। समझो, बात को समझना चाहिए। मैं हर चीज का पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश करता हूं, निगेटिव तरीके से मत देखो। वहां पर वो बैंक की शाखा पहले से मौजूद हो जिस बैंक के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हो रहा है, इसलिए उसे बंद करनी पड़ रही है। घाटे के सौदा था भाई, घाटे में ब्रांचेस चल रही थी, उसने उसे बंद कर दिया। मर्जर की प्लानिंग ऐसे नहीं है। अब मान लिया सरकार अगर इसको मर्ज करती किसी के साथ, तो क्या होता, इन छोटी छोटी ब्रांचेस जो जहां खुली हुई थी, फिर इनका भी साफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मर्ज करना, हटाना, खर्चा बढ़ता। उससे पहले ही सरकार प्री प्लान होके चल रही है, बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि इससे पहले जब मर्जर हुए थे तो उसमें छोटी छोटी जो ब्रांचेस थी साहब, बड़ी दिक्कत परेशानी आई थी, लेकिन अब सरकार बिल्कुल प्री प्लान होके चल रही है। पहले सरकार उन बैंकों की ब्रांचेस को बंद करेगी जो घाटे में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो घाटे में चल रही है, और अगर वहां पर कोई और बैंक हो जिस बैंक के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हो सकता है, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां से जो कह रहा हूं वही हो जाएगा, लेकिन मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। और जितनी भी मैंने खबरें दी हैं वो कितनी सत्य है ये आपको पता है और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं होता है अपने व्यूज। आपको पता है कि मेरे व्यूज चुनिंदा व्यूज आते हैं साहब, मुझे व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाना होता, नहीं तो मैं तो रोज वीडियो बना दूं, कल भी वीडियो बना सकता था मैं आपके लिए, और इसी वीडियो को मैं 3-4 पार्ट में आपके लिए बना देता। तो दोस्तों इसका पॉजिटिव पहलू है कि अगर सरकार या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांचेस को बंद कर रहा है तो उसमें कोई घबराने या विचलित होने की वाली बात नहीं है, क्या पता उस बैंक के साथ विलय हो रहा है जहां पर ऑलरेडी उसकी पहले से कोई ब्रांच हो।
यानी कि जिस बैंक के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विलय होने जा रहा है, ऑलरेडी उस बैंक की अगर कोई ब्रांच है तो वहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वो घाटे वाली ब्रांच होना कोई मतलब नहीं रखती। पहला पॉइंट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात की अब जो क्वेश्चन आया मेरे पास, सर हम क्या करें, हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, और इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांचेस को बंद करने जा रहा है। यार वैकेंसी तो देखो कितनी वैकेंसी निकल ली है, रख तो रहा है बैंक, ऐसे इस हालात में बैंकों में वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही, निकल रही है, मैं रोज ऐड देखता हूं। आप तैयारी करिए, घबराने की विचलित होने की बात नहीं है। सर मैं बैंकों में जाना चाहता हूं और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या मैं ज्वाइन करूं? ज्वाइन करो भाई, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहते हो? बैंक की सर्विस तरसते हैं लोग, बात बैंक की सर्विस के लिए मेरे भाई तरसते हैं, और वो भी गवर्नमेंट, क्या कहने साहब। और आप कह रहे हो मैं ज्वाइन करूं ना करूं, पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य सुनहरा होगा, सुरक्षित होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाए दो, देख नहीं रहे आप हालात, देखो विश्व के कैसे चल रहे इस समय, अर्थव्यवस्था को बचाना मुश्किल हो रहा है सरकार को, और आप बात कर रहे हो कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर देगी सरकार। हालात तो देखिए विश्व के, इन्फ्लेशन टॉप पे है, ऐसे समय में हमारी सरकार ने जो प्लानिंग करी है, ठीक तरीके से मैल मैनेज करा, उसी का नतीजा है कि कोरोना काल में भी हम लोग हाई ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत से लोग इसी में भी साहब मुझे कमेंट्स करने लगेंगे, करते रहो भाई कमेंट्स, मैं हर कमेंट्स का आंसर देता भी नहीं हूं, कर तो करो जितने मर्जी है उतने कमेंट्स करो, मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव रहा था और पॉजिटिव ही सोचता रहूंगा। इसमें भी मैंने साहब आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दिया कि 600 जो ब्रांचेस बंद कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो ब्रांचेस है जो घाटे का सौदा थी और वो कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, और जिस बैंक के साथ अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हो रहा है, उस बैंक की ऑलरेडी अगर वहां पर ब्रांच है जहां पर वो बंद हो रही है, तो ये एक चांस हो सकता है मर्जर का। समझने वालों को इशारा ही काफी है, तो कोई अगर डिटेल में मुझसे पूछना चाहे तो भैया व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आपके लिए खुला है, मेरे को हाई लिख के भेजो वॉइस मैसेज के द्वारा या फोन कॉल पे, मैं आपको सारे आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो भैया इसका पॉजिटिव मैटर, पॉजिटिव मतलब निकालो, निगेटिव मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की ओर बैंक नहीं जा रहे, ब्रांच बंद करना घाटे में चलने वाली ब्रांचों को साहब एक मेरे ख्याल से संतुलित करना, यानी कि उनको बंद करके ही फायदा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, हर पहलू का पॉजिटिव पॉइंट निकालिए, निगेटिव पॉइंट निकालोगे तो मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होंगे जो आपको परेशान करेंगे। अब इसका एक पॉजिटिव पहलू मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया, आप खुश हो जाओ, और साहब मुझे कमेंट्स करके कम से कम थम्स अप तो बनता ही है या लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी हो आपके पास तो कृपया करिए मुझे व्हाट्सएप या फिर करिए साहब फोन, और आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली, नमस्कार।